नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज हम बात करेंगे प्रशासनिक सेवा की, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की। अगर आप प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं या अभी आईएएस या आईपीएस जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी कुंडली में वो ऐसे कौन से ग्रह हैं जो आपको इस सेवा में जाने की राह सुनिश्चित करते हैं, और वीडियो के अंत में हम कुछ उपाय भी जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्रशासनिक सेवा के लिए, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए, आपकी कुंडली में इन पांच ग्रहों कौन कौन से, सूर्य, बृहस्पति, मंगल, बुध व शनि, इन ग्रहों का मजबूत होना अत्यावश्यक है। मतलब अगर ये पाँच ग्रह आपकी कुंडली में मजबूत है तो आप प्रशासनिक सेवा में अवश्य जाएंगे। लेकिन मान लीजिए सभी की कुंडली में तो ये पांचों ग्रह मजबूत नहीं होते, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं जाएंगे, उसके लिए कुछ अदर फैक्टर जरूरी होना चाहिए। इन पांच ग्रहों में से भी सूर्य का मजबूत होना और शुभ होना बहुत ज़रूरी है। अगर इन पांच ग्रहों में से सूर्य मजबूत नहीं हुआ, सूर्य शुभ स्थिति में नहीं हुआ, तो आपके बाकी के चार ग्रह मजबूत होने के बावजूद भी आप प्रशासनिक सेवा में नहीं जा पाएंगे। तो इस प्रकार अगर सूर्य इस सेवा में जाने की चाबी है, मान लेते हैं कि सूर्य जो है वो इस प्रशासनिक सेवा में जाने की अगर चाबी है, तो बुध उस चाबी को घुमाने की कला है। मतलब कि आपके पास चाबी तो मिल गई, मतलब सूर्य आपका स्ट्रांग है तो आपके जाने की जो रास्ता है वो तो आपको क्लियर हो गया। लेकिन अगर आपका बुध ग्रह स्ट्रांग नहीं है, बुध आपकी कुंडली में शुभ नहीं है, तो आप एग्ज़ाम को पास कैसे करेंगे, आप एग्ज़ाम को फेस कैसे कर पाएंगे? और जब तक आप एग्ज़ाम को फेस नहीं करेंगे, जब तक आप एग्ज़ाम को पास नहीं करेंगे, आप उस सेवा में जा नहीं सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य अगर स्ट्रांग है, सूर्य आपकी कुंडली में स्ट्रांग है, तो बुध का भी स्ट्रांग होना ज़रूरी है। या कह सकते हैं कि बुध का स्ट्रांग होना ज़रूरी इसलिए है ताकि आप ये जो एग्ज़ाम होते हैं आईपीएस आईएएस इनके जो एग्ज़ाम होते हैं उनको आप क्लियर कर पाएँ, आसानी से क्लियर कर पाएँ। ऐसा नहीं है कि बुध अगर स्ट्रांग नहीं हुआ तो आप दुनिया के कोई एग्ज़ाम क्लियर कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन आपको ज़्यादा अटेम्प्ट लगेंगे। अगर बुध आपका स्ट्रांग नहीं है तो आपको इस प्रकार के एग्ज़ाम को फेस करने में या इस तरह के एग्ज़ाम को पास करने में ज़्यादा अटेम्प्ट्स लगाने पड़ेंगे। एक बार में आपका काम नहीं होगा, बार बार आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तब जाकर कहीं आप इन एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे। तो अभी हमने दो ग्रह की बात करी, एक सूर्य की और एक बुध की। मान लीजिए आपका सूर्य भी स्ट्रांग है और बुध भी स्ट्रांग है, और इन दोनों ने मिलाकर आपको प्रशासनिक सेवा में यानी एस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आपको पहुंचा दिया है, आप उसमें नौकरी लग गए हैं। अब मान लीजिए आप किसी ज़िले के मुखिया बन गए, यानी जिलाधीश बन गए, मतलब कलेक्टर बन गए। अब वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी डिसीजन लेने की, और डिसीजन लेने की क्षमता कौन प्रदान करता है, बृहस्पति। यानी अगर आपका बृहस्पति स्ट्रांग है आपकी कुंडली में, तो आप इजीली आसानी से डिसीजन ले पाएंगे। किसी भी परिस्थिति में आप डिसीजन लेने की क्षमता आप में भरपूर होगी अगर आपका बृहस्पति स्ट्रांग है तो, और आपके डिसीजन अच्छे भी होंगे। देखा होगा आपने बहुत से जिलों के जो जिलाधीश होते हैं, मतलब कलेक्टर होते हैं, उनके डिसीजन सब लोग बहुत ही अच्छी तरह से फॉलो करते हैं, और दूसरे ज़िले के लोग भी उनके डिसीजन फॉलो करते हैं क्योंकि उनके डिसीजन इतने अच्छे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति स्ट्रांग है तो आपके डिसीजन अच्छे होंगे, ठीक है। अब आपने सूर्य, बुध और बृहस्पति की बदौलत आप एक अच्छे कलेक्टर या अच्छे एक अधिकारी, आईपीएस अधिकारी बन गए। लेकिन आपको मालूम है कि इस प्रकार की जो सर्विस होती है, इसमें निडर होना और निडर होकर डिसीजन लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप डर के डिसीजन लेंगे तो वो सभी लोगों के लिए हितकारी नहीं होगा। इसका मतलब आपको निडर होकर डिसीजन लेना पड़ेगा, और निडरता कौन प्रदान करता है, मंगल। तो अगर आपकी कुंडली में मंगल स्ट्रांग है तो आपके जो डिसीजन होंगे वो निडर होंगे, और वो डिसीजन सभी के लिए फ़ायदेमंद भी होंगे। इन चार ग्रहों की बदौलत आप एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बन चुके हैं। मतलब सूर्य स्ट्रांग होने से आप उस राह पे चल गए, बुध स्ट्रांग होने से आपने उस के एग्ज़ाम को पास कर लिया, बृहस्पति स्ट्रांग होने से आप उस पद पे रहते हुए अच्छे डिसीजन ले पाए, और मंगल के स्ट्रांग होने से आप उस पद पे रहते हुए एक सख्त
और जरूरी और निडर होकर आप डिसीजन ले पाए। लेकिन इस सब होने के बावजूद भी अगर बार बार आपका ट्रांसफ़र हो जाए, बार बार आपका मन करे कि इस नौकरी को छोड़ दिया जाए, तो क्या होगा? आप क्या उस काम को अच्छे से कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए ज़रूरी होता है शनि का, क्योंकि शनि देता है स्थायित्व, स्टेबिलिटी। इसका मतलब यह है कि आपकी कुंडली में अगर शनि स्ट्रांग है तो आप उस पद पर लंबे समय तक बने रहेंगे। और किसी भी इंसान की पहचान तभी होती है जब वो एक ही पद पे लंबे समय तक बने रहें। साथ ही आपको ये देखना है कि अगर इन पांचों ग्रहों का कनेक्शन, इन पांचों ग्रह, पांच कौन कौन से जो मैंने अभी आपको बताया, सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति और शनि, इन पांचों ग्रहों का कनेक्शन किसी भी प्रकार से कुंडली के पांचवें, दसवें या ग्यारहवें भाव से बनते हैं, तो इस फील्ड में जाना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। मतलब जो मैंने पांच चीज़ें बताई है वो तो है ही, लेकिन अगर इन पांचों ग्रहों में से सबके या किसी न किसी ग्रह के कनेक्शन अगर पांचवें भाव से, जो कि शिक्षा का भाव है, इसके बाद दसवां भाव जो कि कर्म का भाव है, और ग्यारहवां भाव जो कि आय का भाव है, इन भाव से अगर इन पांचों का कनेक्शन किसी प्रकार से भी बनता है, तो आपके लिए इस फील्ड में जाना बहुत ही लाभकारी भी होगा और आसान भी होगा। मान लीजिए कुछ ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है, तो आप, मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ, इनको करके आप परिणाम को अपने फेवर में कर सकते हैं, यानी स्थिति को अपने फेवर में कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से उपाय हैं। पहला, रोज़ सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं। दूसरा, गायत्री मंत्र का जाप करें। तीसरा, पूर्व दिशा की ओर सिर करके सोएं। चौथा, माणिक्य या पन्ना धारण करें, इन दोनों में से किसी एक रत्न को धारण करें, वो भी अपनी कुंडली को दिखवा कर। पाँचवा, प्रत्येक रविवार मंदिर या फिर धार्मिक स्थान पर जाएं और वहां पूजा और प्रार्थना करें। अगर आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष हुआ तो इन उपायों के द्वारा आप उन दोषों को दूर कर सकते हैं, आप प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं। तो कैसे लगा आपको वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।